आ गया है टॉप 10 बॉलीवुड काउंटडाउन। आज है 31 जुलाई और फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं हम बॉलीवुड जगत से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। पहली खबर, अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोली वो डिप्रेस नहीं हो सकते। जी हाँ, अंकिता लोखंडे ने रिपब्लिक टीवी को दी इंटरव्यू में कहा कि सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे जो आत्महत्या करेंगे। जब हम साथ थे तो हमने कठिन परिस्थितियां भी देखी हैं। वो एक खुश मिजाज इंसान थे। मैं उन्हें जितना जानती हूँ वो एक डिप्रेस इंसान नहीं थे। किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं लेकिन डिप्रेशन काफी बड़ा शब्द है। दूसरी खबर, रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी। जी हाँ, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की बायोपिक डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और शकुंतला देवी के रोल में एक बार फिर विद्या बालन के काम को लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया है। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और अमित शाह जैसे स्टार्स भी मेन रोल्स में हैं। नंबर 3, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जिम ट्रेनर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में उनको लेकर कुछ खुलासे किए हैं। ट्रेनर ने बताया है कि सुशांत दिसंबर से कोई दवा ले रहे थे जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं ली थी। दरअसल काफी समय तक सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर रहे समी अहमद ने हाल ही में रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये खुलासा किया कि सुशांत ने पिछले साल दिसंबर में कुछ रहस्यमय दवाएं लेना शुरू किया था जिसकी वजह से सुशांत की हेल्थ बिगड़ने लगी और उनके पैर कांपने लगे थे। ट्रेनर रहे समी अहमद का कहना है कि वो ठीक नहीं लग रहा था। ट्रेनर ने यह भी शेयर किया है कि जब उसने रिया को डेट करना शुरू किया तब इसे सुशांत के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। सुशांत ने पहले कभी गोलियां नहीं ली और रिया के मिलने के बाद ही उसने दवा का कोर्स शुरू किया था। नंबर 4, फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है। जी हाँ, 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म स्ट्रीम होगी। इस मूवी को लेकर फैंस के बीच काफी बज है। आपको बता दें कि इस फिल्म में जानवी कपूर मेन लीड में है। जानवी ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज और फिल्म की रिलीज डेट सोशल मीडिया पर अनाउंस की है। आपको बता दें कि गुंजन सक्सेना का ट्रेलर 1 अगस्त को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है। नंबर 5, एक जाने माने पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बुधवार को इंटरोगेशन के दौरान बिहार पुलिस को बताया कि रिया ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी और ये बात उन्हें सुशांत के हाउस हेल्प ने बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो हाउस हेल्प सुशांत के आसपास ही रहता था और ये हाउस हेल्प डेड बॉडी निकालने वाले लोगों में भी शामिल था। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उनके बेटे को ही मौत के दरवाजे तक पहुंचाया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। रिया ने अपनी पिटीशन में कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने दावा किया है कि वो पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और उनके साथ ही रह रही थी, लेकिन सुशांत की मृत्यु में उनका कोई हाथ नहीं है। रिया ने पिटीशन में बताया है कि वो 8 जून के दिन सुशांत का फ्लैट छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अपनी इस बीमारी से लड़ने के लिए सुशांत सिंह राजपूत एंटी डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे और रिया ने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सुशांत आत्महत्या मामले की जांच मुंबई में ही होनी चाहिए। नंबर 7, एक ताजा रिपोर्ट की माने तो सिद्धार्थ आनंद ने अपनी अगली फिल्म के लिए ऋतिक रोशन से बात कर ली है जिसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। सोर्सेस ने बताया है कि सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट ऋतिक रोशन को सुनाई है और उन्होंने सिद्धार्थ को हरी झंडी दे दी है। वॉर की तरह ये फिल्म भी एक्शन थ्रिलर होगी जिसमें ऑडियंस को ऋतिक का स्टाइलिश अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। आपको बता दें कि ऋतिक और सिद्धार्थ बैंग बैंग और वॉर के लिए हाथ मिला चुके हैं और इस बार भी वो ऑडियंस को स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर से दीवाना बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ऋतिक ने फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है और सिद्धार्थ ने आगे का काम शुरू कर दिया है। नंबर 8, सुशांत सिंह राजपूत के पुराने बॉडीगार्ड ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान हो गया है। रिपब्लिक टीवी को दिए सुशांत के पुराने बॉडीगार्ड ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। बॉडीगार्ड ने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत के घर पर रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार पार्टी किया करता था और सारा खर्च सुशांत ही उठाते थे। रिया का भाई शौविक भी पार्टी के लिए अपने दोस्तों को सुशांत के घर पर ही बुलाता था। बॉडीगार्ड ने यह भी बताया कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत को अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि वो पूरे दिन सोते रहते थे और कई बार वो बेडरूम में बेहोशी की हालत में मिलते थे। ऐसा तभी से शुरू हुआ था जब वो यूरोप ट्रिप से रिया के साथ वापस लौटे थे। नंबर 9, रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया कि सुशांत कोई ऐसा इंसान नहीं था जो डिप्रेशन में हो। इसके बाद अंकिता से जब पूछा गया कि सुशांत की डेथ की न्यूज सुनकर उनका कैसा हाल था तो इस पर अंकिता ने बताया, मुझे एक रिपोर्टर का कॉल आया था, अंकिता सुशांत ने आत्महत्या कर ली है और बस सुनने के बाद मैं एकदम टूट गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है और हम सभी के लिए। मैं बाहर आई और मेरी माँ वहाँ मौजूद थी और ये सब खत्म हो गया था। सभी न्यूज चैनलों के पास केवल यही था कि सुशांत अब नहीं रहे।
उसने आत्महत्या कर ली और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। एंड नंबर 10, बॉबी देओल की वेब शो आश्रम का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। जी हाँ, बॉबी देओल की अपकमिंग वेब सीरीज आश्रम का पहला लुक रिवील कर दिया है। इसे खुद बॉबी देओल ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए कैप्शन में ये भी लिखा है कि आश्रम का पहला लुक ये रहा। मैं इसे आप सभी के साथ 28 अगस्त 2020 को एक साथ देखने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको बता दें कि बॉबी ने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि ये वेब सीरीज MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। कि आश्रम को बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर प्रकाश झा ने बनाया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।